उदाहरण चार, 9 वर्गमूल 3 धन 7 वर्गमूल 5 में 7 वर्गमूल 3 ऋण 5 वर्गमूल 5 का योग करो। हमें 9 वर्गमूल 3 धन 7 वर्गमूल 5 में 7 वर्गमूल 3 ऋण 5 वर्गमूल 5 का योग करना है। तो योग करने के लिए हम जो पहले हमारे पास दिया है संख्या, इसे एक कोष्टक में लेंगे और दूसरी संख्या को हम दूसरे कोष्टक में लेंगे और इसका योग करेंगे। तो योग करने के लिए धन का चिन्ह लगाया हमने। अब आगे देखते हैं, कोष्टक जब हम खोलेंगे, धन की संख्या है, यहाँ धन की संख्या है, यहाँ पे भी धन की संख्या है, कोष्टक खोलने पे चिन्हों का में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हमने जब चिन्ह कोष्टक को खोला तो हमें 9 वर्गमूल 3 धन 7 वर्गमूल 5 प्राप्त हुआ। और उसी तरह से दूसरे कोष्टक को खोलेंगे तो 7 वर्गमूल 3 ऋण 5 वर्गमूल 5 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे पहले पद में वर्गमूल 3 है और तीसरे पद में भी वर्गमूल 3 है, इनको हम एक साथ लिखेंगे, 9 वर्गमूल 3 धन 7 वर्गमूल 3। उसी तरह से धन 7 वर्गमूल 5 ऋण 5 वर्गमूल 5, ये आपस में या तो इसका योग हो सकता है या ये घट सकती है। तो यहाँ पे 9 वर्गमूल 3 धन 7 वर्गमूल 3 में हम यहाँ पे वर्गमूल 3 को उभयनिष्ठ लेंगे तो संख्या हमारे पास 9 धन 7 कोष्टक में होंगी, वर्गमूल हमने 3 उभयनिष्ठ निकाला। उसी तरह से 7 ऋण 5, 7 ऋण 5 हमारा कोष्टक के अंदर होगा और उभयनिष्ठ संख्या वर्गमूल 5 कोष्टक के बाहर होंगी। यहाँ पे 9 धन 7 जो है 16 वर्गमूल 3 धन 7 को जब हम 5 से घटाएंगे तब हमें 2 प्राप्त होगा, 2 वर्गमूल 5। अब चूंकि वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 आपस में इसका योग नहीं हो सकता तो 16 वर्गमूल 3 धन 2 वर्गमूल 5 हमारा दो संख्याओं के योग का उत्तर आया। यह इस उदाहरण का हल होगा।